आ गए? मुस्कान तो घर पर नहीं है, शायद कल सुबह तक लौटेगी। तुम्हारी बात हुई क्या उससे? हाँ, वो कॉल तो किया था। आई एम सॉरी यार, मैं अचानक से आ गया। इट्स ओके, मैं भी अकेले बोर हो रही थी। ओके, आई एम गोइंग इनसाइड। तो सारा फंड मैं तुझे दूंगी। तो सारा फंड मैं तुझे हेलो। अच्छा तुम घर आ गए। अच्छा सुनो, मैंने तुम दोनों के लिए खाना बना के रख दिया है। रितिका को बोलना कि खाना गरम कर दे, ठीक है? अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम आज रात घर नहीं आओगे। मुझे बता देती, इनफैक्ट मैं ही तुम्हारे साथ चल लेता, इसी बहाने थोड़ा घूम लेते हम लोग साथ में। अच्छा सुनो, सब अभी मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी रख रही हूँ, बाय बाय। अरे, अरे सुनो, हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई बात अगर परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, और वैसे भी तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो निखिल, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अच्छा तो मुझे अब समझ आया। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँ। नहीं मुझे नहीं खाना। तुम्हें कैसे नहीं खाना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो तुम खा लो ना यार, मुझे नहीं खाना प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लिसन रितिका, आई नो वी डोंट शेयर गुड रिलेशनशिप, बट स्टिल मैं और मुस्कान तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तुम्हें कोई भी बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे शेयर कर सकते हो। अरे डोंट क्राई।
प्लीज कम स्टॉप। हुआ क्या ये तो बताओ। ओके ओके रिलैक्स। मुझे ड्रिंक करना है। ड्रिंक? ओके श्योर, मैं भी लेके आता हूं, बट टिल द टाइम डोंट क्राई। अच्छा तुम ये बताओ मुझे कि मुस्कान में ऐसा क्या दिखा तुम्हें जो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। सो फनी। मुस्कान में मुझे मेरे आने वाला कल दिखा। कल यानी कि जिसे सोच के मैं अपने आज में बहुत खुश रहता हूँ। आई रियली लव हर। निखिल तुमने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा। कभी तो देखा होता।
कैसे निकले? नहीं, मैं मुझे मुझे तो सारे मर्द एक जैसे होते हैं। प्लीज, मुस्कान, प्लीज। मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुस्कान, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। रितिका, तुम हमारे बीच में ना ही बोलो तो ही बेहतर है। ये मेरे और निखिल के बीच की बात है। मैं बस इतना चाहती हूँ जो मेरा कानूनी हक है वो मुझे चुपचाप मिल जाए बगैर बहस किए, तो ही बेहतर है। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ। मुस्कान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डैम, आई लव यू। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी, इसे माफी समझो निखिल। जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती है। रितिका, तुम इस घर की मेहमान थी और अब शायद इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। yes. और मुझे पूरा यकीन है निखिल एक अच्छा होस्ट है, तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेगा। Enjoy your stay. मुस्कान, ऐसा कुछ भी नहीं। मुस्कान, मुस्कान, ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है। मुस्कान, अच्छा यार, मुझे ना निखिल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इट्स ओनली नेचुरल बेबी, थोड़े टाइम में यू विल बी फाइन। बट यार एक बात कहूँ, वो सचमुच तेरे से बहुत प्यार करता है। ये क्या कर रहे हो तुम निखिल? छोड़ो इसे, तुम पागल हो गए हो क्या? प्लीज फॉर द गॉड्स सेक लीव मी अलोन एंड गेट आउट। निखिल, निखिल, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी भी थी। सजा तो सिर्फ मुझे ही मिल रही है ना, तो झेलनी भी मुझे ही पड़ेगी। एंड प्लीज लीव मी। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निखिल, मुझे तुम्हारे दिलासे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मुस्कान के बाद मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। सो प्लीज लीव मी and get out. यार, प्यार जताने में और महसूस कराने में बहुत फर्क होता है। वो प्यार जताता तो था लेकिन मुझे कभी उसका प्यार महसूस ही नहीं हुआ। मतलब कुछ समझी नहीं मैं। बेबी। हेलो लेडीज, लेट्स हैव अ पार्टी। ये तो मैं पार्टी, हाँ
ये मयंक है, याद है उस दिन पार्टी में? अच्छा मैंने तुझे इसे मिलवाया नहीं था तब। हाय हाय, ये मयंक है, निखिल का बिजनेस पार्टनर था, निखिल के साथ साई की तरह रहता था। शादी के बाद मुझे क्या पता था निखिल सिर्फ बातों का शायर है। मुझे कोई खुशी ही नहीं मिल पा रही थी जो एक शादीशुदा औरत की पहली ख्वाहिश होती है। प्यार का एहसास दिलाया और 6 महीने बाद मुझे प्यार करने वाला पति भी मिल गया और प्यार का एहसास कराने वाला भी। इसका मतलब ये मुझे शर्त लगाना कि ये सब तुम्हारा एक कैलकुलेटेड रिस्क था और ये सारा गेम मेरा था। एक्चुअली मैं निखिल से अलग होना चाहती थी पर उसको धोखा देकर उसका दिल तोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा कि ये उसकी वजह निखिल खुद ही ना बन जाए, इससे मेरी मुश्किल भी आसान हो जाएगी और मेरे दामन में दाग भी नहीं लगेगा। वेल प्लेड मुस्कान। ये ले, आखिर तूने शर्त जीत ही ली, ये रहा तेरा इनाम। बट यार मुझे सचमुच निखिल के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है मुस्कान। देख यार तुझे इसकी जरूरत है और तू यहाँ इसीलिए तो आई थी ना, तुझे गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद तू ठीक ही कह रही है, एनीवेज जो तुझे अच्छा लगे। चलो मैं निकलती हूँ फिर। Thank you.
बेबी, अगर निखिल को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। अगर चल गया तो? मैंने बोला ना बेबी, नहीं पता चलेगा। अगर चल गया तो? ठीक है, लगी शर्त। फिर पीछे मुड़ के देखती है, बात करना चाहती है, भाव थोड़ा फेंकती है। मारा परफ्यूम और गॉगल भी डाला है, जैकेट है फैंसी और यूओजी वाला है। ड्रिप मेरी सिक है, बाकी सब फिक है। सर पे निकला हूँ पहन के मैं ताज, भाई तेरा हीरो लग रहा है आज। भाई तेरा हीरो लग रहा है।